नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुबिश। बड़ी खबर आपको बता दें, क्यूनेट मार्केटिंग घोटाला, जिस मामले को लेकर कई फिल्मी स्टार्स को नोटिस दिया गया है और इससे पहले अगर बता दें आपको 70 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिल्मी स्टारों की बात करें यहाँ पर तो शाहरुख खान, अनिल कपूर, विवेक ओबेरॉय, इसके साथ ही बोमन ईरानी, ये वो नाम है जिनको यहाँ पर नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही कई और नाम भी है फिल्मी स्टार जिनको नोटिस दिया गया है। तो आपको बता दें कि मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाला क्यूनेट के संबंध में हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस ने 38 मामले दर्ज करते हुए इससे पहले 70 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब इसके शिकंजे में कई स्टार्स भी आ गए हैं। तो जैसा कि आपको नाम बताया कि इस कंपनी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अभिनेता अनिल कपूर, शाहरुख खान, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, विवेक ओबेरॉय, पूजा हेगड़े, इसके साथ ही अलू सिरीश को भी नोटिस दिया गया है। तो अनिल कपूर, शाहरुख खान और बोमन ईरानी ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए नोटिस का जवाब भी दिया है। वहीं जो और बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके जवाब का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इस योजना के जो शीर्ष 500 प्रमोटर्स हैं उनको भी नोटिस दिए गए हैं और उनके जवाबों का इंतजार भी है। तो ये एक ऐसा घोटाला है, एक ऐसा घोटाला है जिसमें आपको कह सकते हैं कि 70 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कई स्टार्स हैं प्रमोट के यहाँ पर जरिए बताया जा रहा है कि इस कंपनी का जो प्रमोट किया था उसके चलते इन स्टार्स को नोटिस दिया गया है। कई स्टार्स ने हालांकि इस नोटिस का जवाब दे दिया है, लेकिन अभी कई स्टार्स के जवाब का इंतजार यहाँ पर पुलिस को है। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।